हेलो, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज क्या मुद्दा है कि बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था, क्यों बंगाल विभाजन करना चाहते थे, आम जनता के सामने कौन से मुद्दे को रखे। तो वीडियो के साथ बने रहें और हम इस टॉपिक के ओर आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन करते समय कर्जन ने यह घोषणा की थी कि अपेक्षाकृत बड़ा प्रांत होने के कारण प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में बाधा हो रही है। करजन साहब ने सभी को बता दिया कि बंगाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़े क्षेत्र हैं जिसको चलाने के लिए शासन पद्धति बहुत कमजोर पड़ गई है। तो भैया देखिए क्या होता है, यदि विभाजन करें तो ज़्यादा सुलभ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा कम विकसित है, अतः पूर्वी भाग के विकास के लिए अधिक ध्यान देना अनिवार्य है। अधिकारियों के पूर्व जिलों को कलकत्ता के जो अनविश्ड एरिया है, यानी कि अनवांटेड एरिया या जिसमें करप्टेड एरिया है या फिर गलत प्रभाव से जो कलकत्ता प्रभावित हो गया था, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए और मुसलमानों को सही न्याय दिलाने के लिए इन्होंने कलकत्ता विभाजन के प्रस्ताव को हम लोग के सामने या जनताओं के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन करजन का उद्देश्य कुछ और ही था। उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बंगाल ही था। दोस्तों, ये बात नहीं भूलना चाहिए हमें। वहाँ सरकार विरोधी गतिविधियों को बढ़ा रही थी, जितनी भी विरोधी गतिविधि थी, सरकार कलकत्ता ही एक जगह था जहाँ वो बढ़ा रही थी। अतः इसी सोच से, इसी चेतना को आघात देने के लिए बंगाल के बंटवारे का निर्णय लिया गया। सरकार का उद्देश्य मूल बंगाल से बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। और ये बात एकदम सच है, ना ही इसमें कोई परपोक्ष है। उस समय सरकार का जो उद्देश्य था मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी मुद्दे को भटका रहा हूँ और ना ही किसी नए मुद्दे को आपके सामने ला रहा हूँ। ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और या फिर जितने भी पीसीएस एग्जाम है, बंगाल पीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सब में इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मूल बंगाल में 1,70,00,000 बंगाली और 3,70,00,000 उड़ीसा वह अन्य हिंदी भाषाई लोग रहने की योजनाएं थी। एक और मूल उद्देश्य धार्मिक आधार पर विभाजन करना था, जिसमें मुसलमान के लिए लाभदायक परिणाम को दर्शाया गया। परंतु करजन का उद्देश्य तो आप जानते ही थे, क्या था उद्देश्य? फूट डालो और राज करो की नीति थी। यही नीति पर चलकर उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़काया, सांप्रदायिकता दंगा जो है भड़काना शुरू कर दिया, जिससे बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता पर आघात हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गया। सरकार का यह उद्देश्य तत्कालीन गृह सचिव राइसले के जो है सामने जो खड़ा हो गया, तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने क्या किया, अविभाजित बंगाल पर एक बड़ी ताकत थी, जो बंगाल पहले विभाजित नहीं थी तो एक बहुत बड़ा ताकत था, और जो कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन जैसे बंगाल विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो बंगाल की शक्ति क्या हो गई, बट गई, और बंगाल पहले जैसे सशक्त नहीं रहा। और यही सोच रखकर अंग्रेज ने बंगाल का दो टुकड़ा कर दिया, उसे कमजोर कर दिया। बंगाल विभाजन के परिणाम सरकार की आशा के अनुकूल नहीं रहा। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त होते ही बंगालवासी अत्यधिक आक्रोशित एवं क्षुब्ध हुए। विरोध स्वरूप लोगों ने संगठित होना शुरू कर दिया, और विरोध इतना उग्र था दोस्तों कि पहले 2 महीने के अंदर लगभग 500 बैठक हो गई हमारे क्रांतिकारियों की। विभाजन के खिलाफ पर्चे बांटे गए, जिसमें विभाजन से होने वाली दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को विभाजन की घोषणा के साथ लोगों की प्रतिक्रियाओं में विदेशी माल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। 7 अगस्त को स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग के लिए आंदोलन की घोषणा की गई थी, और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और शायद अब तक मनाया जाता है, और नहीं मनाया जाता है तो मनाया जाना चाहिए। लोगों ने उपवास रखा, हड़ताल की, तथा समूहों के रूप में गंगा में स्नान किया, वंदे मातरम के नारे के साथ प्रदर्शन किया, यह बताने के लिए कि अंग्रेज हिंदू एवं मुस्लिम में दरार न डालें। उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधकर एकता प्रदर्शन किया। अतः यदि हम कहें इन शॉर्ट कि अंग्रेज सरकार ने जिन लक्ष्यों के तात पर बंगाल विभाजन किया, वे इस लक्ष्य में सफल नहीं हो पाए तथा परिणाम उसके विपरीत रहा। सरकारी दमन के बावजूद विरोध बढ़ता गया और
ये उग्र रूप धारण कर लिया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई ना तो जाते समय एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब तो आपको करना ही।